यार चश्मा लगा के व्लॉग करूँ या बगैर लगा के समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स सी, कभी लोग पूछते हैं कभी चश्मा क्यों लगाते हैं, ये मेरा नंबर का ही चश्मा है, ऐसा शो ऑफ नहीं है, तो इसको लगा के व्लॉग करते, चलो इसको लगा के वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम मसरूफ होंगे। तो ये व्लॉग के अंदर वैसे तो कुछ है नहीं, रैंडम जो मैंने कुछ चीज़ें शूट आउट किया था इस पिछले 15 दिन में 14 दिन में, वही चीज़ें मैं इस व्लॉग के अंदर डालने वाला हूँ। तो पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि इसके अंदर लिंक आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी क्लिप्स के अंदर, लेकिन चूँकि मैं शूट आउट कर चुका था तो मैंने सोचा था कि इसको भी मैं व्लॉग का हिस्सा बना देता हूँ। तो लेट्स सी के आपको पसंद आता है नहीं आता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं पहले ही आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो 14 दिन रहे इसके अंदर मैं रेगुलर व्लॉगिंग तो नहीं कर पाया या पर्टिकुलर किन चीज़ों पर व्लॉगिंग नहीं कर पाया, ये थोड़ा सेटलमेंट का टाइम था या यहाँ पर सेट होने का टाइम था। तो अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं पर्टिकुलर व्लॉग्स कर सकूँ, यानी जैसे मेरे पिछले व्लॉग थे कि वो एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पर ख़त्म होते थे और उनके बीच में एक लिंक होता था, तो इस व्लॉग में लिंक नहीं है वेरियल, यानी इस व्लॉग में आपको अलग 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 दिन में मैंने क्या क्या किया वो देखने को मिलेगा। तो देर इज़ नथिंग इन दिस व्लॉग, आप देखिए और जो भी चीज़ें हुई है मेरे साथ मैंने इसके अंदर शेयर करने की कोशिश किया हूँ। मेरे अगले व्लॉगिंग, अब मैं यहाँ के चूँकि आ गया हूँ और मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, मेरा रूटीन भी सेट हो रहा है, तो अब मैं जो है तो वो बराबर से व्लॉगिंग करूँगा, प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगा और यहाँ से आपको कंटिन्यूस व्लॉग भी देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं आशा भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। तो लेट्स सी इस व्लॉग में क्या होता है, आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो भाई पहला दिन हमारा शुरू हुआ गर्मा गर्म ईरानी चाय से और मैं यहाँ पर आया था तो देखिए इस बिल्ली को देखकर मुझे लूसी की याद आ रही है और ये मैं तैयार हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो पहला दिन था हमारा, तो हमको जो है वो मेन ऑफिस में यहाँ पे उपल करके एक एरिया है वहाँ पे बुलाया गया था, तो यहाँ पे फिजिकल पहला दिन था, अभी वर्चुअल चल रहा था तो वो गुजर गए दिन। तो मुझे जाना था मेट्रो स्टेशन के लिए, तो वहाँ से करीब में जो पड़ता है वो एरागड्डा है, तो एरागड्डा से हमने मेट्रो स्टेशन पर आए और यहाँ से हम ले गए मेट्रो और हम जाएंगे अमीरपेट से लाइन चेंज करेंगे और फिर हम जाएंगे ऑफिस में जहाँ पर हमको जाना है। हैदराबाद की जो मेट्रो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका टिकट 50 रुपीज़ है, डेट इज़ मच कॉस्टली देन अदर मेट्रो स्टेशन और अदर मेट्रो सिटीज़। तो जहाँ पर अगर आप नागपुर में जाएंगे तो इससे सस्ता है, कलकत्ता सस्ता है, दिल्ली सस्ता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टिकट है। हैदराबाद सिटी काफ़ी क्लीन भी है और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छा है। तो मैं अभी मेट्रो से उतरा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने लोकेशन पर जहाँ मुझे बुलाया गया है, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो हम लोगों का ऑनबोर्डिंग था तो यहाँ पर हमको वेटिंग के लिए बैठाया था। ये है वहाँ का कैंपस विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन और बहुत ही वास्ट और ब्रॉड प्रमाइसिस है इस कंपनी का। ये कैफेटेरिया है जहाँ पर हम लोग आए थे लंच के लिए। मैंने खाने में ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी और आई गॉट इट। तो भाई जिस काम के लिए मैं आया था वो तो लगभग हुआ है कंप्लीट और इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस दैट वी हैव जॉइंट अ इंटरनेशनल कंपनी एंड आई गॉट टू मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी ऑनर्ड पीपल हियर दैट आई एम नॉट शोइंग हिज देयर फेसेस बट वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी आर मीट ऑन दिस सिचुएशन एंड ऑन दिस पॉइंट ऑफ आर करियर, सो आई एम थैंकफुल टू देम। सो जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा हो गया है और मैं वापस जा रहा हूँ एराडा मेट्रो स्टेशन और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा रूम पर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ।
और ये देखिए, मैं इनके जाकर के देखा किचन के अंदर, तो एकदम घर जैसी रोटी ये बना रहे थे, और साथ में मैंने लिया चिकन कोरमा, और यही मेरा डिनर था आज का। तो अगले दिन से हमको ज्वाइन करना था हफीज़ पेट का ऑफिस, जहाँ से हम रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। तो मैं MMTS, जिसको हम लोकल कहते हैं, उसके थ्रू जा रहा हूँ। ये है मेन ऑफिस जहाँ पे मैं रोज़ आऊँगा और यहीं पे हमारा काम होगा। ये जैनपैक्ट का ऑफिस है, ये उसका कैफेटेरिया है, और हमने लंच के अंदर लिया था एक वेज थाली, और बहुत ही अच्छी डिलीशियस थाली थी ये। इसको मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 3 की रेटिंग इसको दूंगा, 3-स्टार रेटिंग दूंगा। और ये है डीमार्ट, जो हमारी कंपनी से बिल्कुल बाजू में है, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैं डीमार्ट गया था। डीमार्ट से जो चीज़ें लेना था वो लेने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ हफीज़ पेट का जो लोकल रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर, और आज का दिन हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ वहाँ जाऊँगा, वो रूम पे मैं रुकूँगा, और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं जाने के लिए। एक स्टेशन आता है बीच में हाईटेक सिटी का, और उसके बाद सीधा बोराबंडा आता है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो मैंने रास्ते में देखा हरियाणा जिलेबी, और मुझे बिल्कुल चाहिए होती है, तो क्या नाम है तुम्हारा? सैयद गौस। सैयद गौस, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। आप चलाते दुकान? चला के आती, समझती दुकान? चलो, तो मैं निकल गया हूँ नाश्ते के लिए, और ये ब्रेकफास्ट था हमारा। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं लोकल रेलवे स्टेशन पर। यह आ गया हमारा लंच, जिसके अंदर चिकन बिरयानी, और यहाँ आने के बाद बिरयानी खाने मन होता है तो मैं बिरयानी ही खा रहा हूँ भाई। तो आप देख रहे हैं कि ये लोकल है और पूरी तरह से खाली है। आई एम ओनली सिटिंग हियर। सो ये है ब्रेकफास्ट वड़ा। तो आज कंपनी के अंदर थीम है कि वाइट, ग्रीन या रेड पहन करके ही आप जा सकते हैं, तो मैंने अभी जाने के लिए तो ये जैकेट डाल दिया, लेकिन पूरा व्हाइट टॉप मैंने पहना है, जिसको जुब्बा कहते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ जुब्बा पहन करके। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, 3-4 दिन मैं बीमार था, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अब अच्छा नहीं हो पाऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छा हो गया और वापस से फिर अपने काम में मैं लग गया। तो आज है जुमे का दिन, और मैं जा रहा हूँ नमाज़ को अपने वर्क स्टेशन से थोड़ा सा दूर, यहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो हो गई हमारी नमाज़ जुमे की, और जुमे के दिन ऐसा होता है अक्सर कि हम कहीं नए प्लेस पर होते हैं और आसपास में मस्जिद पता नहीं होती, लेकिन अभी जिस एरिया में अगर आप हफीज़ पेट में हैं और नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैनपैक्ट का ऑफिस के अपोजिट साइड में मस्जिद अनवर है, वहाँ पर जा कर के वॉकिंग डिस्टेंस पर 5 मिनट के आप वहां जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ घर, और जहां मैं रुका हुआ वहां आ गया हूँ। तो आज का दिन काफी हेक्टिक था, लेकिन ठीक है, पहुंच गए घर पर, अच्छा रहा दिन, काफी अच्छा रहा, और बहुत सारी चीजें की। असल में कैसा है कि जब आप किसी चीज के अंदर काम करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हो क्या आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे अपने कामों को। तो भाई मैं निकला हूँ खाना लेने के लिए, रात का खाना बाहर से पार्सल लूँगा और जाके घर पे खाऊँगा। तो देखते हैं अभी कहाँ से ले सकते हैं। तो ये पार्सल हमने ले लिया है यहाँ से, और अब ये पार्सल हम घर पे लेके जाएंगे। मेरे को पार्सल दे दो, 20 के ही दे दो।
तो आज ये गिफ्ट मिला है हमको हमारे कलीग की तरफ से, और इसको हम खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। आएगा इसके इसके अंदर वाटर बॉटल होगी इसके अंदर, क्योंकि वही लग रहा है, देख रहे अंदाजा तो वही है। इसके अंदर वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल है इसके अंदर, और ये मुझे आज गिफ्ट मिला है। तो ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा कुछ छोटे छोटे क्लिप्स के साथ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।